हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम अपना चैप्टर मैट्रिक्स है उसकी कुछ है जो शॉर्ट ट्रिक है उनके ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले आज निकालना सीखेंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो भी 3×3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पर बात करेंगे। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो तो हमें 3×3 का है, तो इसका हम इनवर्स और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे डिटरमिनेंट निकालने में हमें कभी भी टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में। तो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपको सिंपल तरीके से निकालना पड़ेगा जो हमें क्लास 12th में सीखा है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट सीधा आ जाएगा 162। ये आप निकाल लेना। हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इधर एडजॉइंट की, कि हम एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का 3×3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख रहा हूँ, हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, जो हमारा गिवन है उसको हम सेम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, 1, 2, -2, -1, 8, 0, 6, -2, 7। स्टूडेंट्स, जो हमारे पहले दो कॉलम है, क्या करेंगे, पहला स्टेप सुनना, जो हमारे पहले कॉलम है सी वन और सी टू, उसको एज इट इज लिख देंगे। इधर सी वन कॉलम को एज इट इज लिखा, 1, -1, 6, 2, 8, -2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारी पहली रो है, पहली रो है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। पहली रो को एज इट इज लिखेंगे, क्या आ जाएगी हमारी इधर, 1, 2, -2, 1, 2। अब सेकंड रो को एज इट इज लिख देंगे, -1, 8, 0, -1, 8। ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कट कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट रो को कट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे। अब हमारा ये बच गया। अब हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखो। अब क्या लिखेंगे, हम इधर 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे। 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये ले लिया हम, इधर कॉलम वाइज मैट्रिक्स लेंगे 2 ऑर्डर का, और लिखेंगे हम रो वाइज। क्या करेंगे, कॉलम वाइज लेंगे और रो वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 8, -2, 0 और 7 ये लिया। इसको हमने सोल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 56 -0, 56। अब सिमिलर इसके नीचे वाले लेंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सिमिलरली 2 -2, 8 और 0 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब सिमिलरली इसका करेंगे, पहले का, पहले कॉलम का हो गया, अब सेकेंड का करेंगे, 0, -1, 7 और 6। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिमिलरली करेंगे, 7, -2, 6 और 1। इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19। अब सिमिलरली इसको करेंगे, -2, 1, 0 और -1। तो इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है डिटर्मिनेंट। अब लास्ट का लेंगे, सिमिलरली करेंगे, -1, 8, 6 और -2। तो इसका कितना आ जाएगा, -46। अब लेंगे 6, -2, 1 और 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। और हमारे लास्ट का करेंगे, 1, 2, -1 और 8। इसका इतना हमारा जाएगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा इसका एडजॉइंट। स्टूडेंट हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, और डिटरमिनेंट हमने मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितना आएगा हमारा, 162 स्टूडेंट्स। तो हम एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं जल्दी से ही, हमने इसमें क्या किया। देखो हम चलते हैं पहले पे। सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, इसको मैंने जो हमारा फर्स्ट कॉलम था, क्या था हमारा फर्स्ट कॉलम था, उसको एज इट इज लिखा। ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद सेकंड रो थी उसको यहाँ लिखा, ये हमारा सेकंड स्टेप था। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हमारी रो थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही किया। और पहले इसको हमने इस रो को कट कर दिया, फर्स्ट रो को कट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को हमने कट कर दिया। बस हमने यही किया। और बाद में क्या क्या कर दिया हमने, पहले सभी का दो दो का लेके डिटरमिनेंट हमने इसका लिया, इसका लिया और इधर लिख दिया। हमने कॉलम वाइज लिखा है, लिया है और रो वाइज लिखा है। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही काम आती है। थैंक यू स्टूडेंट।